क्लासिफिकेशन ऑफ डिफ्रैक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफ्रैक्शन मीन्स टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, कि डिफ्रैक्शन कितने टाइप्स का होता है। तो क्लासिफाई कैसे करेंगे, क्या पैरामीटर हमारे पास होना चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन डिस्कस करने के लिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन रिलेटिव पोजिशन ऑफ सोर्स एंड स्क्रीन विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, यानी सोर्स और स्क्रीन हमारे कहां रखे हुए हैं, किस पोजिशन पे रखे हुए हैं। सो डिपेंड अपॉन दिस पोजिशन द डिफ्रैक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। पहली टाइप होती है डिफ्रैक्शन की फ्रेज़नर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, या सिंपली फ्रेज़नर डिफ्रैक्शन बोलते हैं। सेकेंड क्लास इज फर्नोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, या सिंपली फर्नोफर डिफ्रैक्शन हम इसको बोलते हैं। तो देखते हैं कि इसको डिफरेंशिएट कैसे किया है, किस पोजिशन के ऊपर हमने डिफरेंशिएट किया। सपोज हियर वी हैव सोर्स ऑफ लाइट, हियर वी हैव एनी अपर्चर, एंड हियर वी हैव स्क्रीन। तो तीन सिस्टम हमारे पास हैं, कौन से सोर्स है, ये क्या है आपका अपर्चर या स्लिट है, स्लिट डाल देता हूं, जो भी सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, अपर्चर, ऑब्स्टेकल, ऑब्जेक्ट, जो भी चीज बोलेंगे वो बीच में हमने रखनी है, और लास्ट में हमारे पास क्या है, स्क्रीन है। तो सिंपल से एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कि सोर्स से लाइट आएगी, किसी भी स्लिट या अपर्चर के ऊपर पड़ेगी, उस ऑब्जेक्ट के बाद जब लाइट स्क्रीन पे पहुंचेगी तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डिफ्रेक्शन पैटर्न प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। अब इनकी पोजीशन कैसे वेरी करती है, कम होती है, ज्यादा होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो डिफ्रेक्शन है कौन से टाइप का है। पहले को याद रखने का तरीका होता है फ्रेज़नर क्लास ऑफ डिफ्रेक्शन, दीज सोर्स एंड स्क्रीन विल बी एट फाइनाइट डिस्टेंस। ये बड़ा ही कैलकुलेटेड वर्ड होता है सोर्स एंड स्क्रीन, फॉर दिस सोर्स एंड स्क्रीन विल बी एट फाइनाइट डिस्टेंस। फर्नोफर इसका अपोजिट हो जाएगा, सोर्स एंड स्क्रीन विल बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, सोर्स एंड स्क्रीन विल बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो यहां से जब आपकी लाइट आती है, तो लाइट जब आती है ऐसे लगता है कि वो इन्फिनिटी से आ रही है, तो जब इन्फिनिटी से आ रही है इस डिस्टेंस को हम इनफाइनाइट मान के चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए मान लो बीच में हमने कोई कन्वेक्स लेंस लगा दिया, तो कन्वेक्स लेंस के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो इस तरह से पड़ती है, इसमें क्या किया, वी पुट द सोर्स ऑफ लाइट एट द फोकल पॉइंट ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस। तो सिंपल सी ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है कि सोर्स को कहां पे रखा है, कन्वेक्स लेंस के फोकल पॉइंट पे रखा है। तो रेज ऑफ लाइट जब फोकस से पास करती हैं तो क्या हो जाती हैं, पैरेलल, इट मींस रेज ऑफ लाइट विल बिकम्स पैरेलल। तो ये रेज ऑफ लाइट कहां से आ रही हैं, अगर हम यहां खड़े होकर देखें, हमें ऐसा लगेगा कि रेज ऑफ लाइट कहां से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है, क्योंकि पैरेलल लाइंस को हम इंफिनिटी बोलते हैं, तो ऐसा लगेगा कि जैसे इंफिनिटी से आ रही है। सिमिलरली ये रे ऑफ लाइट यहां पे भी कैसे पड़ेंगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे इन्फिनिटी पे आ रही है। फिर यहां पे इनको फोकस करवाने के लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट के आसपास हम क्या करते हैं, दोबारा से कन्वेक्स लेंस लगाते हैं ताकि ये हमारी स्क्रीन के ऊपर फोकस हो जाए। वो हमें डिपेंड करता है कि फ्रिंज पैटर्न आपको किस पॉइंट पे ऑब्जर्व करवाना है, आपको सेंटर पे करवाना है, किसी और पॉइंट पे करवाना है, उसी के हिसाब से इसकी फोकसिंग देखते हैं, ठीक है। तो इस रीजन के अंदर रे ऑफ लाइट कहां से आई है, हालांकि ये वाली ब्लॉक होगी, समझाने के लिए इसको सिर्फ दिखाया, रे ऑफ लाइट कहां से आई है हमारी, ऐसा लग रहा है कि ये इन्फिनिटी से आई है, इट मींस दिस टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन विल बी फर्नोफर डिफ्रैक्शन, जिसमें रे ऑफ लाइट आपको लगेगी इन्फिनिटी से आई है, ठीक है। अगर ये यूज नहीं करेंगे, तो हमारा सिस्टम क्या कहलाएगा, फाइनाइट डिस्टेंस सिस्टम कहलाएगा। यहां पे तो डिस्टेंस इनफाइनाइट था, रेज ऑफ लाइट ऐसा लगता था कि इन्फिनिटी से आई है, लेकिन कन्वेक्स लेंस जैसी सोर्स जैसी कोई चीज नहीं है, तो जो आपकी रेज ऑफ लाइट आई है सीधी अपर्चर पे पड़ेंगी और स्क्रीन पे फोकस होंगी, देन दिस टू विल बी कंसीडर्ड एट द फाइनाइट डिस्टेंस। सो विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ लेंस वी कॉल दिस सिस्टम एज द फाइनाइट डिस्टेंस सिस्टम, इट मींस सोर्स एंड स्क्रीन विल बी एट फाइनाइट डिस्टेंस। ऑब्वियसली वी कैन मेजर दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर और मीटर, तो सेंटीमीटर या मीटर में डिस्टेंस होता है, मेजरेबल डिस्टेंस है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फाइनाइट डिस्टेंस सिस्टम बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसमें लेंस लगाएंगे ये इन रेज को इन्फिनिटी बना देगा, तो उसके बाद हम इसको बोलना शुरू करेंगे इनफाइनाइट डिस्टेंस सिस्टम। तो दो वर्ड इनके साथ जुड़ जाते हैं, क्या क्या,
जब फ्रेसनल डिफ्रेक्शन का जैसे ही नाम लेते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि फाइनाइट वर्ड यूज करना है, और जैसे ही फर्नोफर का नाम लेते हैं तो आपको इनफाइनाइट वर्ड यूज करना है, ठीक है। बाकी तो आगे चल के जब दोनों के बीच में हम डिफरेंस पढ़ेंगे उन्हें हम देख लेंगे। याद करने का तरीका क्या है, फाइनाइट वर्ड में कितने लेटर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, यानी छोटा वर्ड है। इनफाइनाइट क्या है, बड़ा वर्ड है। इसी तरह फ्रेसनल क्या है, छोटा वर्ड है। फर्नोफर क्या है, बड़ा वर्ड है। तो बड़े वर्ड के साथ बड़ा वर्ड, इसी तरह छोटा वर्ड है तो उसके साथ फाइनाइट छोटा वर्ड। इनको याद करने का तरीका भी है, कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसके साथ फाइनाइट आएगा किसके साथ इनफाइनाइट आएगा। जिसके साथ भी इनफाइनाइट आए लेंस लगा दो तो वो रेस को क्या बना देगा, इन्फिनिटिव बना देगा। तो आइए आगे अब इसके बीच में फ्रेसनल और फर्नोफर के बीच में हम डिफरेंसेस देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन फर्नोफर डिफ्रेक्शन एंड फ्रेसनल डिफ्रेक्शन। तो इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, जो मेन डिफरेंस इनका निकल के आएगा वो कहां से निकल के आएगा, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो इन केस ऑफ फर्नोफर डिफ्रेक्शन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन इज इनफाइनाइट। ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन इज इनफाइनाइट, वेयर द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन इज फाइनाइट, ठीक है। तो फ्रेसनल में फाइनाइट होता है, फर्नोफर में इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट क्यों बना, बिकॉज बिफोर अपर्चर भी हमने कन्वेक्स लेंस यूज किया है एंड बिफोर स्क्रीन भी हमने कन्वेक्स लेंस यूज किया है, ताकि हमारी जो इंसिडेंट रे है वो क्या बन गई है, इंफिनिटी से आती हुई दिखाई देती है। यहां पर हमने कोई लेंस यूज नहीं किया है, ठीक है। तो फाइनाइट इनफाइनाइट किस पोर्शन से होता है, बाय यूजिंग लेंस। तो सेकंड पॉइंट यही एक डिफरेंस में भी इंक्लूड हो जाएगा। सो इन दिस फर्नोफर डिफ्रेक्शन कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड, रादर वी शुड कॉल कन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड। सो हियर वी यूज्ड कन्वेक्स लेंसेज, एक तो हमने कहा सोर्स और अपर्चर के बीच में यूज किया है, दूसरा अपर्चर और स्क्रीन के बीच में यूज किया है, तो दो कन्वेक्स लेंस यूज में यूज करते हैं। सो हियर कन्वेक्स लेंस आर यूज्ड। इसके अंदर कोई लेंस यूज नहीं करते हैं फ्रेसनल डिफ्रेक्शन के अंदर। थर्ड, इंसिडेंट वेव फ्रंट इज क्लीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हमारा मान लो सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट से हमारी सिलिंड्रिकल वेव निकलती है, तो जैसे ही ये कन्वेक्स लेंस पे पड़ेगी, हमने इसको ऐसे दिखाया था, सिलिंड्रिकल वेव थी कन्वेक्स लेंस पे पड़ेंगी तो आपकी पैरेलल रेज ऐसे दिखाई गई थी। एक्चुअली में ये रे जो प्लेन वेव फ्रंट है वो ऐसे आता है, देन वी गॉट प्लेन वेव फ्रंट। सो हर एक सोर्स हमारा कैसा वेव फ्रंट दे रहा है, सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल वेव फ्रंट तो आ ही रहा है। अगर हमने लेंस को यूज कर लिया तो लेंस इसको क्या बनाएगा, पैरेलल रेज बनाएगा। इसी पैरेलल रेज को हम क्या बोलते हैं, प्लेन वेव फ्रंट बोलते हैं। सो हियर इंसिडेंट वेव फ्रंट इज प्लेन इन नेचर, तो प्लेन वेव फ्रंट होता है। यहां पे क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट इज आइदर सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल। क्यों, लेंस तो यूज किया ही हमने, तो जब लेंस यूज नहीं किया तो हमारा वेव फ्रंट कैसा आया है, या तो सिलिंड्रिकल आया है या हमारा वेव फ्रंट स्फेरिकल आया है। इसके साथ एक चीज और देखते हैं, फेज ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट, जो हमारा प्लेन वेव फ्रंट है, फेज एट एवरी पॉइंट विल बी सेम। इसी के अंदर आता डिफरेंस नहीं, वेयर फेज एट एवरी पॉइंट ऑन द सेकेंडरी वेव फ्रंट इन केस ऑफ सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल वेव फ्रंट इज नॉट सेम, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल वेव फ्रंट के अंदर आपका जो फेज है वेव का वो सेम नहीं होता है, प्लेन के केस में ये चीज सेम होती है। हियर एंगुलर इंक्लिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट नॉट द डिस्टेंस। ये एंगुलर इंक्लिनेशन कौन सी बात हो रही है, एंगुलर इंक्लिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट नॉट द वेव फ्रंट। ये कुछ ऐसे समझिए, जब भी हमारे यहां पे सोर्स ऑफ लाइट है, ये हमारा स्लिट या अपर्चर है, ये स्क्रीन है, तो जब लाइट रेज आएगी सेंटर पर, लाइट आपकी यहां जाएगी, मान लो इस पॉइंट के ऊपर आपने फ्रिंज ऑब्जर्व करनी है, तो ये रे कितने एंगल पे डेविएट होके जाएगी उसको हमने थीटा बोला है। इट मींस हियर दिस थीटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एंगुलर इंक्लिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस हमारे लिए इनफाइनाइट है, तो कौन सी चीज इंपॉर्टेंट बन जाएगी, थीटा, एंगल, इंक्लिनेशन इंपॉर्टेंट बन जाएगा। कौन सा एंगल, जो हमारा प्लेन वेव फ्रंट इसके ऊपर इंसिडेंट करेगा उसका एंगल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अपोजिट में क्या होगा, डिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट रादर देन द एंगुलर इंक्लिनेशन। तो इसके लिए क्या है, डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, क्यों, डिस्टेंस तो हमारा फाइनाइट है, एंगुलर इंक्लिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए, इन केस ऑफ फ्रेसनल डिफ्रेक्शन।
फिफ्थ पॉइंट, इट इज फिटेड विद मोर एक्यूरेसी, इसको फर्नोफर डिफ्रेक्शन को मोर एक्यूरेसी के साथ हम स्टडी करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस काफी होती हैं इसकी। इट इज फिटेड विद अप्रोक्सीमेशन, तो जब इसकी डेरिवेशन करते हैं, इसको स्टडी करते हैं, तो मान के चलते हैं लेट अस सपोज दैट या अप्रोक्सीमेटली चीजों को निकालते हैं, तो एक एक्यूरेसी नहीं आ पाती है फ्रेस्नेल के अंदर। लास्ट पॉइंट, इट हैज नंबर ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस काफी हैं, तो जो भी आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं वो फर्नोफर डिफ्रेक्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं, चाहे आपका सिंगल स्लिट का है, चाहे आपका डबल स्लिट का है, चाहे आपका ग्रेटिंग का है, तो ग्रेटिंग के एक्सपेरिमेंट काफी होते हैं, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन काफी है फर्नोफर डिफ्रेक्शन की, वेयर दिस फ्रेस्नेल हैज द वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन फ्रेस्नेल एंड फर्नोफर क्लास ऑफ डिफ्रेक्शन।